संस्कृतस्य गंगा प्रवहति दीवोपि संस्कृतं कथयति। तस्मिन् काले श्रीमती के बारे में कह रहा है और बहुत सीक्रेट बात भी अपने सखा से कह रहा है। बहुत बार होता है ना कि हम बात करते 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 मान लो अब ये पूर्ण मेघ से यक्ष से यक्ष मेघ से बात कर रहा है और कम से कम महीनन तो हो गया हम ही लोग सामने बात कर रहा है, बोलो हाँ। तो अब जब आप किसी मित्र से बड़े लंबे समय तक बात करते रहते हैं, अनुभवी लोग बताएंगे इस बात को, जो तो पहले से ही अपनी अक्षिणी की सीक्रेट बात नहीं बता रहा, ये बड़ी सीक्रेट बात है कि संभोग काल के बाद हम उनकी जान हरवाते हैं, तो ये किसी साथी से बताना बहुत सीक्रेट साथी से आदमी बताते। इसलिए देखिए उत्तर में हमें आके बताया और उत्तर में भी 55 श्लोक में 30-40 लगभग हो गया, अब मतलब उत्तरार्ध काल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब बात करते 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 यक्ष मेघ का बहुत बहुत घनिष्ठ हो गया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी श्रीमती की अत्यंत घनिष्ठ बात बहुत घनिष्ठ मित्र से बताते हो, अति घनिष्ठ मित्र से, और अति घनिष्ठ मित्र से इस तरह की बातचीत आप करते हैं। इसीलिए यक्ष मेघ से अत्यंत सीक्रेट बात भी शेयर कर रहा ना, और ये पति पत्नी के बीच की अत्यंत सीक्रेट बात नहीं, बहुत सारे लोग चाहे धोती पछाड़क हों लेकिन बताइए है ना। मान लो मौका है वारदात पर आप पहुंच जाए तो आप कहा हो साड़ी के कर अम्मा के आ रहे हैं लेकिन यक्ष को देखिए, यक्ष ने साफ साफ बात कही कि भाई साहब उनको मैं बताता था, मम हस्त संवाहना नाम समुचिता है। और इन श्लोकों को पढ़ने के बाद तब मुझे लगा सबकी अपनी दृष्टि है, किसकी दृष्टि में क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता। हमारी दृष्टि में हमको यही दिख रहा है कि इतनी देर से बात कर रहा है तो अब वो बेचारा वहाँ पहुँच करके इतनी घनिष्ठता से अपनी सीक्रेट बात बता रहा है, अपने दोस्त से बता रहा है, अपने मित्र से बता रहा है और ये सहज अकस्मात निकल जाती, ऐसा नहीं कि सोच समझ के बता रहा है, बताते बता देखिए पहले अक्षिणी की सुंदरता बताया, तन्वी श्यामा शिखर रचना, उसमें जांग हो नहीं बताया, बता नहीं बताया, ये बड़ी बात हो गई, सुंदरता बताया, फिर उसकी कृशता बताया, विरह दशा बताया, मुझको बहुत प्यार करती है बताया, याद करती है बताया, फिर ऐसे धीरे 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 सथी रसिक मेघो तो रसिक रसीला तो पूछत रहा हूँ, फिर 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 बोल दिया, फिर अभी और कुछ बातें कह रहा इस श्लोक बोले तस्मिन् काले जलद कौन जलम ददाति जलदहा ए जलद तस्मिन काले उस समय में, तस्मिन काले माने अर्थात उस समय में, यदि सा माने वह लब्ध माने प्राप्त कर ली हो नेत्रा का सुख, यदि वो नींद में हो, यदि वो नींद ले रही हो निद्रा सुखा स्यात् कौन, यदि सा निद्रा सुखा स्यात् तो अन्वास्यैनां स्तनितविमुक्तो अन्वास्यैनां स्तनितविमुक्तो तस्मिन् काले उस समय में, यानी जिस समय में तुम पहुंचो, और यदि उस समय में सा वह कौन लब्ध निद्रा सुखा स्या, मान लो सो रही, मान लो वैसे तो नींद आती नहीं उसको पीछे के श्लोक में बताया, पर मान लो सो रही हो तो अन्वास्य एनाम माने उसको अन्वास थोड़ा उसका वेट करना, अन्वास अनु माने पीछे थोड़ा बैठ करके, अन्वास्य एनाम माने उस यक्षिणी का स्तनित माने गर्जना, विमुख माने विमुख, गर्जना से विमुख रहना, ये नहीं कि जाओ और गर्जे लागो कि बेचारी अभी अभी सोई है गरज दे तो जगा दे। पीछे के श्लोक में कहा कि वो हमारा स्वप्न काल में संयोग चाहती है, नींद चाहती है लेकिन आंसू है इसलिए सो नहीं पाती,
फिर इसमें कहता है कि मान लो लब्ध निद्रा सुखास्या, मान लो किन्हीं कारणों से कैसे एन केन प्रकारेण सोई गई हो, तो यदि सो गई हो तो एनाम स्तनित विमुखा, तो बिना गर्जना के ही तुम याम मात्रम एक पहर तक सहस्व सहन करना। सहन करना मतलब वेट करना, थोड़ा रुकना, थोड़ा ठहरना, तुम्हें संदेश करके संदेशा बता के भागने की जल्दी नहीं। एक याम होता है 3 घंटे, समझ में आया, इसलिए अष्टयामा भी कहते हैं, जो पूरे दिन रात को अष्टयाम बोलते हैं। अष्टयाम माने 8 3 24, 24 घंटे होते हैं, इसलिए 4 याम की रात और 4 याम का दिन, ठीक है। तो रात का एक पहर हम लोग थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले जग जाते हैं और 1-2 घंटे शाम के बाद सोते हैं, तो ये जो 1-1.5 घंटे बाद सोते हैं और दिन के पहले उठ जाते थे, इसीलिए रात को त्रियामा कहते हैं। त्रियामा इसलिए कहते हैं कि रात जो सोने वाली रात है वो 3 याम वाली है, माने 9 घंटे। वैसे तो 12 घंटे की रात 12 घंटे की दिन आप बोलते हैं, लेकिन अधिकतम 9 घंटे की रात, चूँकि ना रात का बहुत सा, जब हम 4 बजे जग गए, कोई आदमी 3 बजे जग गया, वो भी रात्रि का ही समय, जब तक सूर्य उदय ना, और इधर सूर्य 6 बजे डूब गया, आप 8 बजे तक सो ही नहीं, तो कुछ हिस्सा इधर छूट जाता है रात का और कुछ हिस्सा आप पहले जग जाते हो, इसीलिए सोने वाली रात अधिकतम त्रियामा कही, इसी रात्रि का एक पर्यायवाची त्रियामा। वैसे 4 यामों वाला दिन और 4 याम रात में ऐसे होते हैं, 1 याम में 3 घंटे, तो 8 याम में 8 3 24 घंटों का बंटवारा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा यदि सा, यदि वह लब्ध निद्रा सुखा स्यात्, यदि वो किसी प्रकार से नींद को पा गई हो जब तुम जाओगे तस्मिन काले, तो ऐ जलद एनाम माने उसको याम मात्रम सहस्व एक प्रहर तक तुमको स्तनित विमुखा होकर, माने गर्जना से विमुख होकर, गर्जना से विमुख मतलब बिना गर्जे शांति के साथ तुमको कम से कम 3 घंटे तो वेट करना चाहिए, और यक्षिणी हमारे विरह में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकते, ठीक है। और 3 घंटे से ज़्यादा संयोग काल, किसी भी सपने देखने की उम्र समय 5-10 मिनट आप अधिकतम सपना देखते हैं, आधे घंटे अधिकतम, बहुत ज़्यादा देखेंगे तो 1 या 3 घंटे, बोलो हाँ या ना। अब कहा माँ भूत प्राणी स्वप्न लब्धे, माँ भूत माने मत होवे, ऐसा ना हो जाए कि अस्याह इसके प्रणयिनी मई स्वप्न लब्धे, प्रणयिनी माने प्रेमी और मई माने मेरे, मैं उसका प्रेमी हूँ और ये हमको कथनचित स्वप्न लब्धे, किसी प्रकार से सपने में हमको प्राप्त की हो। भाई सोएगी तो सपना आएगा, और सपना आएगा तो सपने में कौन आएगा, यक्षिणी, यक्षवन आएगा। इसीलिए यक्ष ने कहा कि माँ भूत तो ऐसा ना हो जाए कि अस्याह माने इसके, इसके माने यक्षिणी के, मई प्रणयिनी स्वप्न लब्धे, मुझ जैसे प्रेमी को सपने में उसने प्राप्त किया हो, कैसे कथनचित स्वप्न लगते, ये इनके इन प्रकार किसी तरह से नींद आई फिर सपना आया फिर मुझको प्राप्त की हो, और सपने में ही हम लोग गले लग रहे हो, प्यार कर रहे हो, और इतने में तुम गरज दे हो, अब इच्छे सपना टूट जाए, आधा गले लगे हो, माने गले, ऐसा बहुत बार आपने सपना देखा होगा कि बस अब गले लगने वाले थे कि अम्मा जगा दी, आप सोचो कि थोड़ी देर और भी नहीं जगाती तो बस मिल लेते। तो इसने यही कहा, यक्ष यही कह रहा है कि ऐ मेघ हो, मान लो तुम पहुंचे तस्मिन काले उस समय में, और सा लब्ध निद्रा से आप, यदि वो नींद में हो तो ऐसा करना याम मात्रम सहस्व, तो लगभग एक प्रहर तुमको स्थनित विमुखा हो करके, गर्जना विमुख हो करके, बिना गर्जे शांति पूर्वक कम से कम 3 घंटे की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अस्याह इसके, मई प्रणयिनी कथंचित स्वप्न लब्धे, मुझे जैसा प्रेमी या पति स्वप्न लब्धे माने स्वप्न में जब प्राप्त हो, तो सद्य कंठ च्युत भोज लता ग्रंथे गाढ़ो
माने गहरा, उपगूढ़ माने आलिंगन। तो बड़ा गहरा आलिंगन, बहुत दिनों बाद 8 महीने बाद सपने में मिलेंगे तो आलिंगन हल्का फुल्का होगा। बोलिए, हल्का फुल्का आलिंगन होगा। 7-8 महीने बाद अपनी प्रियतमा से मिलेंगे तो इतना चपकाएंगे कि छोड़वा नहीं करेंगे, ना वो छोड़ना चाहेंगे ना आप छोड़ना। ये है गाढ़ो उपगूढ़। ये क्या है? गाढ़ो उपगूढ़। सपने में ही सही, बोलो सपने में ही सही। पर बोले गाढ़ो उपगूढ़, बहुत तगड़ा आलिंगन सद्या। उसी समय मान लो जैसे तुम पहुंचे, हम गहरे में आलिंगन किए हुए हैं तो कंठ च्युत भुजलता और ग्रंथि, ग्रंथि माने गांठ। अब जो लोग आलिंगन लगाए होंगे तो इसको जरा समझेंगे। तो आप गले लगाए होंगे तो कंठ, कंठ से कंठ मिला होगा। ये वाला लेवणी आप ओके लेवणी में रखे हुई हो और ओकल लेवणी तुम्हारे लेवणी में हो, ये कंठ है, पहले कंठ समझ लो। और फिर भुज लता, भुज माने भुजाएं, और इन भुजा रूपी लताओं से गांठ बांध ले हुई हो, ग्रंथि माने, और ऐसा गांठी लगाए हुई है चपक के पकड़ी हो, जो 7-8 महीना बाद मिले तब की बात कर रहे हैं। बोलो हाँ, ये यक्ष यक्षिणी से मिला सपने में। कैसे मिला है? तो बोलो कि गले में, कंठ माने गले में लता रूपी जो भुजाएं हैं उनकी गांठ बांध ली गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि गठीवा खुल जाए, तुम गरज दे और उतने में नींद टूट जाए। देखिए, यदि ये हकीकत में आलिंगन कर रहे होते, सही सही में सपना नहीं होता, तो मेघ गरजता तो आलिंगन और गाढ़ा होता। पीछे पढ़ के आए हो सिद्ध और सिद्धांगना होगा, याद आया? तो बोले मेघवा, ये स्वप्न लब्धे है ना, ये सपना वाला आलिंगन है, और सपने वाले आलिंगन में यदि तुम गरज दिए तो सपना टूटा तो सब झूठा। बोलो हाँ, सपना टूटा तो क्या सब झूठा। और सपने में हम मिल रहे हैं, ये लिखा भी है कंठ च्युत भुजत, तो कंठ से कहीं च्युत ना हो जाए, च्युत माने छूट ना जाए। देखिए, ये जितने बोल रहे हैं सब अनुभवी प्राणी है बोल रहे हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वेट करो यक्षिणी के। बोलो हाँ, और ये तो सब आगे प्रैक्टिकल शास्त्र है। तो जितने लोग अपनी श्रीमती जी को मानते होंगे, प्रेमिका बनाए होंगे, कभी कंठ च्युत भुजलता हुई होगी तो आप इसको समझेंगे, नहीं तो हम अर्थ बता दें, आप समझो और वेट करो तब तक जब तक तुम्हार वाली यक्षिणी ना आवे, और यक्षिणी आवे ना फिर चली जाए मायके। अब मायके से 3-4 महीना बाद जब आवे तब आप जब पकड़ी हो तब होगा कंठ च्युत भुजलता ग्रंथि, कहीं कंठ से च्युत ना हो जाए भुजलता रूपी गांठ। इसलिए स्तनित मुखा कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि याम मात्रम सहस्व। अरे कम से कम 2-3 घंटा तो सपना देख ले दो, 8 महीना बाद सपना में मिले हैं तो कम से कम 3 घंटे तो मिलना चाहिए। बोलो हाँ। और कहते हैं कि कोई भी रति क्रीड़ा, कोई भी मिलन, कोई भी प्यार का प्रसंग 3 घंटों में पूर्ण हो सकता है। इसीलिए कालिदास का यक्ष कहता है कि याम मात्रम सा मा भूदस्या प्रणयिनी मयि स्वप्न लब्धे। समझ में आ गया? सद्य माने तुरंत, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुरंत छूट जाए। वो जो कंठ च्युत भुजलता ग्रंथि हम आलिंगन गाढ़ो पर गूढ़ो आलिंगन है, तुम गरज दोगे तो तुरंत ही वो आलिंगन क्या, उसी समय हम गले में लता रूपी जो अपने भुजाओं को बांधे हैं, गांठ लगाए हैं, कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि गठिया अच्युत हो जाए, छूट जाए। ग्रंथि माने गांठ, अच्युत माने, और ग्रंथि च्युत हो जाएगी, और भुजलता रूपी ग्रंथि च्युत हो जाएगी जब तुम गरज दोगे तब। गरजने से क्या होगा? जग जाएगी वो, और जगने से क्या होगा? सपना टूट जाएगा। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? सपने में। तो सपना ना टूटने पाए इसलिए स्तनित मुखा, और इसलिए याम मात्रम सहस्व कर लेंगे ना। बोलो हाँ। तो लब्धम माने प्राप्त कर ली है निद्रा याह सुखम, जिसने निद्रा का सुख प्राप्त कर लिया है या सा, वो है लब्ध निद्रा सुखा।
लब्ध निद्रा सुखा का कहा लब्ध निद्रा सुखा यक्षिणी, लब्ध निद्रा सुखा कौन और सा कौन और स्यात स्याताम स्यु धातु का बुद्धलिंग लगा प्रथम पुरुष का एक वचन। यदि वो नींद के सुख को प्राप्त कर ली हो तो किसने लब्ध निद्रा सुखा कौन और जलन से किसका बोध हुआ और स्तनित मुखा किसको कह रहा है कि मेघ को स्तनित माने और साहस लोट नकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया ना सहना अर्थात 3 घंटे वेट करना 3 घंटे माँ भूल अस्या से किसका बोध हुआ यक्षिणी का और मई प्रणयिनी मुझ प्रेमी के स्वप्न में प्राप्त हो जाने पर स्वप्न लब्धे लब्धे माने प्राप्त हो जाने पर स्वप्न माने सपने में तो मई प्रणयिन से किसका बोध हुआ यक्ष का और किसी प्रकार से कथनचित मिले कथनचित इसलिए कि न वो सोती थी न सपना देखती थी न मिलते अब किसी प्रकार से सोई है तो सपने में मिल रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे गरजने से हम लोगों का आलिंगन छूट जाए इसलिए या मां।